एक गांव में एक धोबी रहता था। उस धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा रहते थे। वो गधा धोबी के काम में बहुत मदद करता था। वो कुत्ता भी धोबी के घर का पहरा देता था। बस ऐसे ही चलता गया समय और एक रात को जब सब लोग सो गए थे, एक चोर आया धोबी के द्वार। गधे ने उस चोर को देख लिया और कुत्ते के पास जाके बोलने लगा, तुमने उस चोर को देखा मगर क्यों नहीं भौंका? ऐसे आश्चर्यचकित होके पूछा और कुत्ते ने जवाब में बोला, आजकल हमारा मालिक हमें ध्यान नहीं देता है, ख्याल नहीं रखता है, खाना भी नहीं देता है, तो मैं कैसे और क्यों मैं जिम्मेदारी निभाऊं अपनी? ऐसे गैर जिम्मेदार जवाब दिया तो गधे ने कहा कुत्ते से, मेरे दोस्त ये बहस का कोई समय नहीं है, ये वक्त है हमारी ईमानदारी के प्रदर्शन करने का, हमारे मालिक के प्रति सच्चाई के साथ रहने का। मगर कुत्ते को इस बात से सहमति नहीं थी और वो बैठ गया बिना गधे की बात का परवाह करते। मगर गधे को समझ में नहीं आया कि धोबी की मदद कैसे करे और उसने बहुत जोर से शोर मचाने लगा। गधे के जोर की शोर सुन के चोर भाग गया। धोबी के घर के सारे सदस्य नींद से उठ गए। जब धोबी की नींद खुली उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। बिना वजह सबको जगाने के लिए और शोर मचाने के लिए उस गधे के पीठ में लाठी से आक्रमण किया धोबी ने। जी भर के उसे मारा धोबी ने। तभी उस गधे को एहसास हुआ कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है और दूसरों की नहीं। Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and